इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। ये त्योहारों का गोया मौसम ही चल रहा है। वैसे किसी बड़े इजलास जुलूस की इजाज़त हुकूमत की जानिब से नहीं दी जा रही है, पर महदूद दायरे में अपनी खुशियाँ अपना पैगाम आवाम की जानिब से दिया जा रहा है। हुकूमत अपनी जानिब से आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत तो देती है, पर अक्सर यह देखा जा रहा है कि हिदायत को नज़रअंदाज ही किया जा रहा है। अब दशहरा को लेकर गाइडलाइन दिए गए थे कि जुलूस इजलासों का एहतमाम न किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से एहतमाम किया जाए। कुछ जगहों पर एहतमाम करने की तो कोशिश की गई, पर अक्सर देखा गया कि भीड़ इकट्ठा नजर आ रही थी। खासकर दशहरे के मौके पर या दौड़ के वक्त कुछ जगहों पर 5-6 अफराद नजर आ रहे थे, कुछ जगहों पर 50 से भी ज्यादा लोग दौड़ में हिस्सा लेते नजर आ रहे थे। खैर, कहने का मतलब यह है कि हुकूमत कोरोना के मद्देनजर कुछ सख्तियां बरत रही है, तो इसमें अवाम की भलाई को सामने रख कर ही अमल करने के लिए कहा जाता है। खैर, एक बार फिर सामने राज्योत्सव का त्यौहार है जिसमें तमाम कर्नाटक में खुशियां मनाई जाती है। सभी धर्म जात पात के लोग इसमें शरीक होते हैं। कर्नाटक का वैसे दशहरा भी काफी दुनिया भर में मशहूर रहता है। इसे भी कोरोना आलमी वबा के तहत महदूद दायरे में ही मनाया गया। अब जब राज्योत्सव रियासत के तमाम शहरों में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, तो बेलगाम में भी कुछ ज्यादा ही जोश इसलिए भी रहता है कि यहाँ कन्नड़ मराठी तनाजा भी काफी पुराना है। बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र कर्नाटक का अरसे से मनमुटाव रहा है। बेलगाम शहर और अतराफ में मराठी बोलने वालों की तादाद काफी है और इनकी ख्वाहिश है कि ये महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं। इन मराठियों की कयादत यमीएस करती है। खास तौर पर मराठियों को लगता है कि इन पर जुल्म ज्यादती की जा रही है, लिहाजा अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए बेलगाम शहर और अतराफ में काला दिन मनाया जाता है। कोरोना के मद्देनजर राज्योत्सव के साथ काले दिन पर भी सख्तियां आयद की गई है। खैर, इसके बाद ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। मखसूस लोगों के साथ परचम रसाई यानी फ्लैग होस्टिंग की इजाजत देने की बात कही जा रही है। इस साल मिलादुन नबी के जुलूस की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई है। मिलादुन नबी के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में कंपैशनेट डे के तहत मनाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, लिहाजा यौम रहमत यानी कि करुणा दिवस के तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर बेलगाम शहर में आज वर्क फाउंडेशन की जानिब से कंपैशनेट डे यानी करुणा दिवस के मौके पर बेलगाम शहर में मुख्तलिफ जगहों पर लोगों में खाना तकसीम किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान किया गया। वर्क फाउंडेशन के मेंबरान की जानिब से किसान, सड़क पर ठेला लगाने वाले, कंडक्टर, ड्राइवर, फ्रूट वालों को खाना तकसीम किया गया और कंपैशनेट डे के तहत नबी रहमत ने गरीबों को खाना खिलाने की जो फजीलत बयान की थी उसे बताया गया। मोहतरमा अफरीन सैयद ने कंपैशनेट डे की अहमियत को बयान करते हुए किस तरह हमारे नबी की तालीमात को जहां पर भी है वहीं पर रहकर हम नबी की तालीमात को किस तरह आम कर सकते हैं, इस पर उन्होंने रोशनी डाली। इस पर एक रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम ये खैर का काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। मैं मुखातिब हूँ हर मुसलमान औरत, बच्चे और बूढ़े से, वो भी अपने लिए अपने अपने खैर का काम करें। जैसे कि हमारे हदीस में आता है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, कि चाहे आपके पास सालन कम हो तो उसमें पानी मिला दीजिए और एक दूसरे के साथ मील बांट कर खाइए। आप चाहे रास्ते की कोई तकलीफ दे चीज़ को हटा सकते हैं, या कोई किसी राह चलते की मदद कर सकते हैं, या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, या किसी जानवर के ऊपर रहम कर सकते हैं, और कुछ ना सही तो एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट बांटे, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेलगाम शहर और अतराफ में धोखा देने वालों की यानी कि फ्रॉडस्टर्स की जो तादाद है इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। फ्रॉड, चोरी, झूठ, फरेब का बाजार गर्म होता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी में इजाफा ही जुर्म और गुनाह की राहों पर चलते नौजवान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इस कदर चोरी कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर मंदिरों को तक निशाना बनाया। कुछ लोगों ने तो
फौज के नाम पर ही धोखा देना शुरू किया हुआ है। बेलगाम शहर में फौज के नाम पर धोखा देने की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। फौज के लिबास में सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड किए जाते हैं और फौज में नौकरी से लेकर कार मोटरसाइकिल बेचने तक के झूठे पोस्ट अपलोड कर लोगों से लाखों रुपया ऐंठने का काम जारी है। लिहाजा कई सारे लोग इसकी वजह से धोखा खा चुके हैं। क्या फौज के नाम पर धोखा देना देशद्रोह नहीं है? इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जाता? ऐसा आवाम की जानिब से सवाल बार बार किया जा रहा है। महंगी गाड़ियों के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर फेक अकाउंट में अपना रुपया भेज दे या खुद को फौजी अफसर साबित कर अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर करने की बात कहते हैं, फिर गाड़ी बेचने की बात बताई जाती है। हर रोज फर्जी अकाउंट के जरिए धोखा दिया जा रहा है। इनके फेसबुक ट्विटर पर भारत का तिरंगा झंडा और फौजी लिबास में इनकी तस्वीरें रहती है। लोग आसानी से भरोसा कर इनके अकाउंट में रुपया भेज देते हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों का कारोबार जारी है, जिसमें कई लोग फंस चुके हैं। कुछ तो शर्म की वजह से किसी के सामने अपनी दास्तान बयान करने से डरते हैं, तो कुछ लोग इस झमेले में हम क्यों पड़े कहकर इससे दामन छटका लेते हैं, दामन बचा लेते हैं, जिसकी वजह से झूठे फर्जी धोखेबाजों को और भी ऐसे कामों के लिए हौसला मिलता है। लिहाजा इनके खिलाफ फरियाद दर्ज करना जरूरी है। इसी तरह फर्जी फौजी अफसर बनकर बेरोजगारों को फौज में नौकरी दिलाने का लालच दिलाकर रुपये गबन करने वालों को हाल ही में कैंप पुलिस थाने से फौजी अफसर को गिरफ्तार करने की वारदात बेलगाम में हुई है। हासिल इत्तला के मुताबिक लाखों रुपयों को इस फर्जी अफसर ने बेरोजगार नौजवानों को चूना लगाया है। ना सिर्फ लाखों का चूना लगाया बल्कि 5 या 6 लड़कियों को यूं ही झूठ बताकर शादी भी रचाई है। कैंप पुलिस की जानिब से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे फर्जी फौजी अफसर को हिंडलगा जेल की हवा खानी पड़ रही। कैंप सीपीआई संतोष कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अपने आप को फर्जी अफसर या सूबेदार साबित कर बेरोजगार नौजवानों को धोखा देकर लाखों रुपये इससे पहले भी हजम किए गए। कई फरियादें मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई है। बेलगाम फौजी ठिकाना होने की वजह से फौज के नाम पर धोखा देना काफी आसान है। किसी तरह फौजी बन जाने का ख्वाब कई देहात से आने वाले नौजवान रखते हैं। जमीन खेत खलियान बेचकर तो कुछ लोग कर्ज के जरिए रुपया देकर नौकरी हासिल करना चाहते। लिहाजा फौज का लिबास पहनकर कुछ धोखेबाजों ने न सिर्फ देश की तौहीन कर रहे हैं बल्कि गरीबों के जज्बात से भी खेलने का काम कर रहे हैं। लिहाजा इन पर जल्द कार्रवाई हो, ऐसा अवाम का मुतालबा है। फौज के लिबास में जो भी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स है इनकी जांच जरूरी है, वरना इसी तरह फर्जी फौजी फलते फूलते रहेंगे और मासूम आवाम धोखा खाती रहेगी। कोरोना का दौर, बंद कारोबार, अभी कुछ संभलते तिजारत, फिर मास्क पर कार्रवाई, जुर्माना, इसी दरमियान एक आम इंसान की जिंदगी बेलगाम शहर में गुजर बसर करती रहती है। अब एक और हुक्म ट्रैफिक महकमा की जानिब से नाफिज फरमाया गया। वैसे हेलमेट की सख्ती जारी है, कागजात की तफ्तीश भी चल रही है, पर और इजाफा करते हुए पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना जरूरी हो गया। अगर आप नहीं पहनेंगे तो इस पर भी जुर्माना देना पड़ेगा। इस पहले से ही परेशान आवाम के सर पर एक और नया बोझ जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। क्या वाकई पीछे बैठने वालों को हेलमेट की सख्ती जरूरी है क्या? इस पर भी बहस जारी है। आरटीओ शिवानंद मखदूम ने मंगल से कार्रवाई करने का हुक्म दिया। अगर इस कार्रवाई पर अमल ना करते हुए पाए जाने वाले शख्स को 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और जुर्माना अलग से वसूल किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने खत के जरिए बेलगाम आरटीओ को अमल करने को कहा है। अब क्या वाकई अवाम इससे खुश है? क्या वाकई पीछे बैठने वालों को सख्ती से हेलमेट जरूरी है या कुछ मोहलत और मिलती तो बेहतर था? इस तरह की मुख्तलिफ राय अवाम की जानिब से पेश की जा रही है। इतना जरूर है कि हेलमेट मास्क कागजात के साथ एक और हेलमेट को खरीद कर पीछे बैठने वाले के सर पर रखने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस का भी यह जुनून कितने दिनों तक रहता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।